बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द सना उस खुदा के लिए जो काबिल तारीफ़ है। या अज़ीज़ रब के प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। रब करीम आप सबको हक कहने और हक सुनने की तौफीक दे। हमारे YouTube चैनल या अज़ीज़ रब पर अगर आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ये चीज़ें याद करो, इंशाल्लाह कभी भी अपनी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होगे। एहतियात के बारे में इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एहतियात की आफत यह है कि मौके को हाथ से जाने देना। अकल के बारे में इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अकल की बदतरीन आफत यह है कि तकब्बुर करना, गुरूर करना। आरज़ुओं के बारे में इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आरज़ुओं की आफत यह है कि जल्द पूरा करना, उनकी तमन्ना रखना। ताकत के बारे में इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ताकतवर की बदतरीन आफत यह है कि दुश्मन को हकीर कमज़ोर समझना। हुक्मरान के बारे में इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुल्क की आबादी की आफत यह है कि हुक्मरान अपने मुल्क में जुल्म करे।